महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गीता कॉलोनी में कई टुकड़ों में मिला है महिला का शव। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने कब्जे में महिला का शव लिया है। गहनता से मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। दिल्ली में कई टुकड़ों में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, गीता कॉलोनी में कई टुकड़ों में महिला का शव मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अरुण कौशल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, एक और ऐसा मामला, रूह कपा देने वाला मामला, जहां पर महिला के कई टुकड़ों में शव मिला है। क्या जानकारी, दिल्ली के कौन से इलाके से, कौन से एरिया से ये शव मिला है, क्या पता लगा पाई है पुलिस अब तक? जी सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में लगातार ऐसी जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं, ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इससे पहले भी दिल्ली में दहला देने वाली कई जो केस है वो आ चुके हैं। श्रद्धा हत्याकांड से लेकर निकी तक के जो केस है वो सुनाई दिए थे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिल्ली की गीता कॉलोनी का केस है। ये यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस को एक टुकड़ों में जो है एक महिला की लाश मिली है। और जो महिला की लाश, आपको बता दूं, जो उम्र उस महिला की जो बताई जा रही है वो 35 से 40 साल की बताई जा रही है। आपको बता दूं, ये दो जगह से जो है ये टुकड़े जो है उसकी लाश के मिले हैं। महिला के दोनों मतलब अलग अलग जगह पर जो है फेंके गए थे अपराधी की तरफ से। एक तो मैं आपको बता दूं कि गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे से ये जो है जो महिला के शव के टुकड़े वो मिले हैं। दूसरा जमुना खादर एरिया है, तो वहां पर जो है इस महिला के जो है कटे हुए जो टुकड़े हैं शरीर के वो वहां पर मिले हैं। सृष्टि, तो अपने आप में बहुत दर्दनाक जो है एक स्थिति बयान करती है उस महिला के प्रति, किस तरीके से इस घटना को जो है अपराधी की तरफ से अंजाम दिया गया और उसके टुकड़ों को है अलग अलग जो है भागों में करके दो जगह पर जो बिखेरा गया। और इसके अलावा आपको बता दूं, जी इसके अलावा आपको बता दूं, जो दिल्ली पुलिस है वो इसकी जांच में जुट गई है और अपराधी तक जो पहुंचने का दिल्ली पुलिस का प्रयास है वो जारी हो गया। तो आप अरुण कह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है ये महिला कौन थी या इसके बारे में कोई भी जानकारी मिली हो। और अरुण, साथ ही ये भी बताइए कि कैसे पुलिस को ये शव पता चला, क्या किसी स्थानीय निवासी ने इस बात की जानकारी दी थी पुलिस को? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो ये अभी महिला कौन थी, कहाँ से थी, इस चीज का भी नहीं पता चल पाया है। सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि जो महिला की जो उम्र थी, जो एज थी, वो 35 साल की एज बताई जा रही है जिसकी ये हत्या हुई है। इसके अलावा मैं बता दूं, पुलिस को अपने सूत्रों द्वारा, जो पुलिस के खुफिया जो सूत्र होते हैं उनके द्वारा ही उनको जानकारी मिली थी कि इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया गया और जो बॉडी के अवशेष है वो इस तरीके से वहां आपको मिल सकते हैं। तो पुलिस तुरंत पर पहुंची और वो छाप करते हुए यहाँ तक पहुंची, उसके मैं की लाश तक टुकड़े तो वहां तक पहुंची है। उनको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो डीएनए के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जो है अपनी आगे की कार्रवाई की जो जांच है उसमें जुट गई है। चलिए ठीक है अरुण, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आगे की जांच करेगी पुलिस।